नमः शिवाय। पौष मास शनिवार अमावस्या तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा मूल नक्षत्र में आज ही दिन में 3 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे समय पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में ही चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, शांत विचारों वाले, भाग्यशाली और लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातक के अंदर उपकार करने की भावना, मित्रता करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। ऐसे जातक ईमानदार, संवेदनशील, आशावादी और आवश्यकता से अधिक उदार, आधुनिक किस्म की वस्तुओं का संग्रह करने वाले, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के इच्छुक और शीघ्र सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, दशा अनुकूल रही, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी धनु राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज भी चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और शनि के साथ बनी रहेगी, मगर नक्षत्र दिन में 3 बजे तक केतु का होगा। तत्पश्चात शुक्र का नक्षत्र कायम हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता संभावित है। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, मगर मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में परेशानी महसूस होगी। अमावस्या का प्रभाव बना रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी और अनिश्चितता का अभाव हावी रहेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, हर काम करने के प्रति मेहनत करने की प्रवृत्ति और प्रयास जारी रहेंगे, मगर विभागीय सहयोग और उचित दिशा निर्देश में कमी महसूस होगी। आज शनिवार है, अमावस्या है और आधे दिन मूल नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहेगा, इसलिए आज किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन वापसी को लेकर विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आज का राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक कायम रहेगा। इस दौरान कोई नया काम या किसी नए अनुबंध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव लगा रहेगा। शारीरिक रूप से आलस्य और मानसिक सुस्ती महसूस होगी। अमावस्या के कारण और असंतुष्टि की भावना बढ़ी रहेगी, मगर व्यावसायिक दायित्व की पूर्ति होगी और कार्य क्षेत्र में उत्साहजनक स्थिति कायम होगी, मगर कुछ कामों में पहल करने की प्रवृत्ति और कार्य ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और देव दर्शन के योग बनते हैं। वृष राशि के जातकों के प्रभावशाली व्यक्तित्व और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में निवेश अपने बुद्धि कौशल से सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर कुछ मामलों में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि से 8वें चल रहे हैं। योजनाओं में विवाद की स्थिति या रुकावट संभावित है। निजी मामलों में भी तनाव पैदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अपने प्रयास जारी रखें। निजी संबंधों में मानसिक दबाव और छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र की व्यस्तता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिलेंगे, मगर सकारात्मक सोच और सक्रियता में कमी संभव है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित रहेगी। कुछ योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर आय की गति धीमी रहेगी। वाणी की मृदुलता बनाए रखें। निजी व रिश्तेदारों के बीच तनावपूर्ण स्थिति संभावित है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नौकरी करने वाले व्यक्ति राहत महसूस करेंगे, हर काम आसानी से संपन्न होगा और वैवाहिक प्रस्ताव फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा 6ठे भाव में स्थित हैं। मन में उठ रहे मानसिक असंतुष्टि और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। वाद विवाद को टालना उचित होगा। हालांकि आर्थिक लाभ मिलता जाएगा और साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। भावनात्मक लगाव और मानसिक संवेदना बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं, मगर ऊर्जा स्तर और सक्रियता बनी रहेगी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। नई कार्य योजनाओं की पहल जारी रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आर्थिक मामलों में नए निवेश का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और आर्थिक लाभ के कई नए अवसर सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में निवेश का योग बना हुआ है जो कि लाभदायक होगा। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। मित्रों और संबंधियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता और गृहस्थी का दबाव महसूस करेंगे। वैवाहिक योजनाएं फलीभूत होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। स्वास्थ्य के प्रति खास ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी, सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष में सगे संबंधियों से सहयोग मिलेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। रुके हुए या विवादित मामले भी सुलझ सकते हैं और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, मगर धैर्य संयम और उतावलापन को नियंत्रित करने की जरूरत होगी। नकारात्मक सोच संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता जारी है और आर्थिक लाभ के कई अवसर सामने आएंगे, मगर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति में व्यवधान भी संभव है। हालांकि निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु राशि के जातकों की शारीरिक ऊर्जा और मानसिक सक्रियता, साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास प्रभावित होंगे। अमावस्या का विशेष असर आपकी राशि पर ही है। वाणी में मधुरता कायम रखें। नवीन कार्य योजनाओं में स्थिरता बनी रहेगी। कुछ कामों में रुकावट या अड़चने भी संभावित हैं, मगर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को निजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। मानसिक उत्तेजना और मन का अंतर्द्वंद आज के दिन ज्यादा रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक यात्रा और अपव्यय का संकेत भी मिलता है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित कर सकते हैं। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में परिश्रम आवश्यक है। आपसी तालमेल में कमी और निजी संबंधों में तनाव महसूस होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी और पारिवारिक सहयोग में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। पहले की रुकी हुई योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। विरोधी दबे रहेंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि के जातकों को आज के दिन मानसिक चिंता और मन का अंतर्द्वंद भावी रहेगा। सक्रियता प्रभावित होगी। कार्य योजनाओं के क्षेत्र में निर्णय लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। उत्साह और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, मगर अपनी रुकी हुई योजनाओं को चालू रखें। धैर्य और मेहनत करने की प्रवृत्ति बनाए रखें, सफल रहेंगे। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। हालांकि आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा और आपके आवश्यक काम संपन्न होंगे और निजी संबंधों में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।